नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। जी हां, एनआरसी को लेकर एक बार फिर से विरोधियों को यहां पर बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें बांग्लादेश से साफ तौर पर यह बयान जारी किया जा चुका है कि एनआरसी जो है वो भारत का आंतरिक मुद्दा है और हम दोनों देशों के बीच एक बेहतर समन्वय है। तो साफ तौर पर एक बड़ा झटका विरोधी पार्टियों को, जिस तरह से लगातार विरोधी पार्टी एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर और एनपीआर को लेकर लगातार लोगों में भ्रम पैदा कर रहे थे और अब उन्हें एक बड़ी फटकार लगी है, क्योंकि साफ तौर पर बांग्लादेश ने यहां पर साफ साफ ये बयान देकर ये साफ कह दिया है कि जो एनआरसी जो मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मामला है। आपको बता दें कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के प्रमुख ने रविवार को साफ कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह से भारत सरकार का आंतरिक मामला है और दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय है। वहीं मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम ने एक सम्मेलन में साफ तौर पर ये कहा कि बल भारत में अवैध लोगों के प्रवेश को रोकना जारी रखेगा। वहीं सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि इस्लाम की अगुवाई में बीजीबी का एक शिष्टमंडल अपने समकक्षों के से महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता के भारत के दौरे पर है। तो साफ तौर पर ये बड़ी चपेट यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोधी पार्टियां जो है वो भारत देश में एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर, एनपीआर को लेकर फालतू की बातें यहाँ पर बयानबाजी फैला रहे थे, फालतू की दंगेबाजी यहाँ पर कह रहे थे, उसी बीच बांग्लादेश से ये बयान साफ तौर पर आया कि भारत का आंतरिक मामला है और दोनों के देशों के बीच जो है वो समन्वय है, बेहतर प्रगाढ़ है और किसी तरह का कोई विवाद दोनों देशों के बीच में नहीं है। आपको बता दें कि भारत में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि भारी विरोध के बाद भी केंद्र सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटा रही, लगातार वो लोगों से अपील कर रही है, लगातार लोगों को वो जागरूक करने का काम कर रही है कि जो एनआरसी है, जो सीएए और जो एनपीआर है वो आपके हित में है, आपके खिलाफ ये बिल नहीं है। तो लगातार केंद्र सरकार लोगों से अपील करती आ रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स से ये पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। जिस व्यक्ति का सिटीजनशिप रजिस्टर में नाम नहीं होगा उसे अवैध नागरिक माना जा सकता है। साथ ही साथ देश में असम इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर सिटीजनशिप रजिस्टर की व्यवस्था लागू है और इसके अलावा एनआरसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों से है। खासकर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही थी। इस प्रक्रिया के लिए 1986 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर असम के लिए एक विशेष प्रावधान भी रखा गया है। तो साफ तौर पर अब ये विपक्षी पार्टियों को समझना होगा कि किसी तरह का विवाद यहाँ पर दोनों देशों के बीच में नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर बांग्लादेश ने यह कहकर, ये बयान देकर ये साफ जाहिर कर दिया है कि जो लगातार भारत में जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, लगातार जो बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को लेकर जो लोगों में भ्रम फैलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों को भड़काने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि साफ तौर पर बांग्लादेश की सेना ने यह साफ कह दिया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और जो एनआरसी जो मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मामला है और हम दोनों के बीच में जो है बेहद प्रसन्न तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से हमारे जो संबंध है वो प्रगाढ़ है। वह दूसरी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। जी, आपको बता दें कि सीएए को लेकर लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन मायावती कर रहे हैं उनके एक बार फिर से बौखलाहट सामने देखने को मिली है। जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश के पथेरिया से रमाबाई परिहार को मायावती ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया और सिर्फ केवल इसीलिए कि वो जो विधायक थी वो सीएए का समर्थन कर रही थी। तो साफ तौर पर यहाँ पर सीएए का लगातार विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपनी बौखलाहट इस तरह से दिखाई है कि उनके विधायक जो कि सीए का समर्थन कर रहे हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही साथ मायावती ने ट्वीट कर ये आदेश भी दिए हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं रामाबाई परिहार, वो किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना हो और उन्हें किसी भी एक्टिविटी में पार्टी की शामिल ना होना दिया जाए। तो साफ तौर पर एक बार फिर से मायावती ने ये साफ कर दिया है कि लगातार वो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को तानाशाही होने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से बीएसपी पार्टी की तानाशाही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक विधायक के मात्र समर्थन करने पर उन्हें पार्टी से निष्कासित उसे कर दिया। तो साफ तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीएसपी पार्टी का तानाशाही रूप यहां पर अख्तियार हो गया, क्योंकि एक विधायक को ना ही आजादी है सोचने की, जिस तरह से लगातार जो बीएसपी पार्टी है वो संविधान बचाने की बात करती है, लगातार संविधान को लेकर तरह तरह की बातें यहां पर सामने लाती है, लेकिन आज जिस तरह से लगातार मायावती ने इसको प्रूफ कर दिया है कि उनके नेताओं को, उनके विधायकों को
उनके पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी कोई भी सोच जाहिर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधायक ने जब सीए का समर्थन किया तो बौखलाहट में आकर मायावती ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया और उन्हें किसी भी तरह की क्रियाकलापों में, किसी भी तरह की एक्टिविटी में शामिल होने से भी साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि पार्टी के निष्कासन के बाद बीजेपी विधायक ने मध्य प्रदेश में उनका साथ दिया, उन्हें समर्थन दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बसपा विधायक रमाबाई के निलंबन के बाद प्रदेश की सियासत अब और तेज हो गई है और भाजपा विधायक रमाबाई के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार सीए का जो विरोध चल रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में लगातार जो विपक्षी पार्टी है इसको दंगाइयों को भड़काने में लगी है। और इसी कड़ी में जब अब लोगों को ये समझ आ रहा है कि आखिरकार सीएए है क्या, तो अब लोग निकल कर बाहर सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी की बात करें, चाहे वो किसी आम तबके की बात करें, तो अब लगातार लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि सीएए क्या है और अपने तथ्यों को खुलकर सामने रख रहे हैं। तो अब जो बीएसपी के नेता हैं वो भी अपने तथ्यों को सामने रख पा रहे हैं कि सीएए वाकई जरूरी है भारतवासियों के लिए, उनके हित के लिए। तो इसी को लेकर अब मायावती की बौखलाहट सामने बहुत तेज हो गई और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में राजनीति भी गरमाने लगी है। भोपाल हुजूर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने रमाबाई का समर्थन किया है। उन्होंने जारी बयान में मायावती के इस कदम की कड़ी निंदा की, उन्होंने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा के पथरिया विधायक रमाबाई परिहार के विरुद्ध में मायावती की ओर से निलंबन की कार्रवाई निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एवं बाबा साहेब की मंशा, उनके आदेश का परिपालन उन्होंने किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार की चिंता तत्कालीन पाकिस्तान के विधि मंत्री एवं समय समय पर अनेक रिपोर्टों के माध्यम से सामने आती रही है। और जैसे जैसे नेताओं, नागरिकों को सीए का सार्थक उद्देश्य समझ आ रहा है, वैसे वैसे लोग अब निकल कर बाहर सामने आ रहे हैं और समर्थन में, इस कानून के समर्थन में लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। वही केंद्र सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस कानून का सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास किया वो अब विफल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब बीजेपी को छोड़कर अब अन्य पार्टी के लोग भी समझने लगे हैं कि सीएए जो है वो भारतवासी के हित में है। और अब जो तथ्यों को पलट रहा है, उन तथ्यों को पलकर समझकर अब वो सामने आ रहे हैं, जिसकी आजादी अब शायद जो अन्य विपक्षी पार्टी है वो अपने नेताओं को नहीं दे रही, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से संविधान को बचाने की बात ये पार्टियां करती हैं, बेहद शर्मनाक है कि अगर उनका ही नेता संविधान के पक्ष में कोई बात अगर करता है तो आप खुद ही अपने नेता को पार्टी से निलंबित कर देते हैं। इसी को लेकर एसपी अखिलेश यादव का भी बड़ा शर्मनाक बयान सामने आया, जहां अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि वो एनपीआर में अपना कोई पंजीकृत नहीं करेंगे और एनपीआर फॉर्म वो नहीं भरेंगे। तो साफ तौर पर संविधान को आगे बढ़ाने की बात करने वाला नेता जब इस तरह का बयानबाजी देते हैं तो बेहद शर्मनाक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से आपको खुद बढ़ चढ़ कर अब लोगों को ये समझाना चाहिए कि आपको एनपीआर में पंजीकृत होना चाहिए, ताकि आपको सरकार की ओर से, चाहे वो प्रदेश की जनकल्याण योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र की जनकल्याण योजना हो, उसका लाभ मिल सके। लेकिन इससे पीछे हटकर अब जो राजनेता हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, वो पूरी की पूरी बीजेपी नहीं मोदी के खिलाफ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एनपीआर जो कि एक पुराना सिस्टम है जनगणना का, लेकिन केवल बीजेपी इसको नए तरीके से लेकर आ रही है, लेकिन फिर भी जो विपक्षी पार्टी है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही माहौल बनाने का। तो इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बेहद शर्मनाक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो एनपीआर फॉर्म नहीं भरेंगे। तो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो एनपीआर है वो भारत के नागरिकों के लिए, उनके हितों के लिए ये फॉर्म भराया जा रहा है, वो जानकारी, उनसे तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि उन्होंने, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि बीजेपी के लोग ये तय नहीं करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, लेकिन जिनसे मुकाबला है वे संविधान को कुछ नहीं समझते, नौजवानों को रोजगार चाहिए या एनपीआर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे कि हम नागरिक हैं या नहीं। उसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रास्ता दिखाया था, ये कहा उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कुछ कार्ड भी चला दिए थे। तो साफ तौर पर कई तरह के बयानबाजी यहाँ पर अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एसपी नेता ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं। तो बेहद शर्मनाक बयान एसपी नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो दंगा भड़काने का काम विपक्षी पार्टी कर रही है, और अब इसको और बढ़ावा देने के लिए अखिलेश यादव उस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब एनपीआर लागू होगा और जिसके बाद सभी की रिपोर्ट्स ली जाएंगी, सभी की जानकारी यहां पर ली जाएंगी, लेकिन साफ तौर पर अखिलेश यादव यहां पर मना कर रहे हैं कि वो अपना एनपीआर फॉर्म नहीं भरेंगे। तो बेहद शर्मनाक, क्योंकि जिस तरह से लगातार संविधान को बनाने की बात एसपी पार्टी करती है, चाहे बात एसपी की करे, चाहे
बीएसपी की करें चाहे बात कांग्रेस की करें, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार संविधान को खुद से ऊपर रखने की बात करती है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर चाहे सीएए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, इन तीनों मुद्दों को लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही लोगों को भड़काने का, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो पूरे देश के हालात बन गए हैं विपक्षी पार्टियों की वजह से वो लोगों को भड़काने में लगे हुए बेहद शर्मनाक है। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार जिस तरह की सीएए एनआरसी और एनपीए को लेकर लगातार जो ये पार्टियां लगातार जो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लगातार इस तरह के जो तथ्य झूठे झूठे तथ्य सामने लेकर वो लोग आ रहे हैं, वाकई ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि इससे आपकी ही पार्टी को लगातार एक नकारात्मक असर पड़ता है जिससे कि आपकी छवि खराब होगी और लोग आप ही की पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप झूठ बोल रहे हैं चाहे बात कांग्रेस की हो, प्रियंका गांधी झूठ बोलती हैं कि उन्हें पुलिस महिला पुलिस उनका गला दबा रही है, चाहे बात एसपी की हो लगातार वो ये कह रहे हैं कि वो एनपीआर में फॉर्म नहीं भरेंगे, चाहे बात बीएसपी की हो जो कि अपने ही विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दे रहे हैं। तो साफ तौर पर आप कुछ नहीं कर रहे, बीजेपी का आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन आप इन सभी के चक्कर में आकर अब अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे और अपनी छवि को आप जनता के सामने धूमिल कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने एनपीआर का विरोध करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि मैं हूं चाहे मेरे एसपी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोई भी एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में युवा नेताओं के साथ खास बैठक की और बैठक में लोगों को यह संदेश दिया गया, उनको यह आदेश दिया गया कि वो उनमें से कोई भी कार्यकर्ता एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेगा। आपको बता दें कि मीडिया के बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ ही समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का फॉर्म नहीं भरेगा। केंद्र सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सभी एसपी के कार्यकर्ता भी एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे और पहले तो भारत को बचाना है और इसके बाद ही गिनती की जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सरकार को कोई दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, हम इसी के देश के नागरिक हैं, बीजेपी के लोग बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहे हैं, गाँव में लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और वो कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो इसी देश के रहने वाले हैं, और तो मैं अपना कोई दस्तावेज नहीं दिखाऊंगा। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक ये बयान, क्योंकि जिस तरह से लगातार आप लोगों को आगे नीति का पाठ पढ़ाते हैं तो क्या इस तरह की बयानबाजी ये दर्शाती है कि आप एक नीतिगत रास्तों में चल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खुद ही लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग नागरिकता संशोधन में नागरिकता जो रजिस्टर आने वाला है उसमें अपनी गिनती को ना दर्ज कराएं, क्योंकि जिस तरह से अगर आप गिनती दर्ज नहीं कराएंगे तो साफ तौर पर आपको प्रदेश के कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो बेहद शर्मनाक अखिलेश यादव का यह बयान, क्योंकि जिस तरह से लगातार खासतौर पर बैठक बुलाकर अखिलेश यादव ने पूरे एसपी के कार्यकर्ताओं से ये आदेश उन्हें दिए कि उनके उनके साथ साथ एसपी का कोई भी कार्यकर्ता इस फॉर्म को नहीं भरेगा और जनता तक भी ये बातें पहुंचानी होंगी और लोगों को जागरूक कर एसपी जो है वो बीजेपी के खिलाफ इस कानून के खिलाफ इस बिल के खिलाफ अब लोगों को भड़काने में लगी हुई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है।